डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 4 और 5 प्रयास गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 56 से 60 तक सोल्व करेंगे, यानी कार्यपत्रक 56, 57, 58, 59 और 60 का हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, चलो, कार्यपत्रक 56 में दक्षता है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। पहला सवाल है इसमें, अवनिन ने बाजार से 425 रुपये में घड़ी खरीदी और 250 रुपये में टॉर्च खरीदी, उसने कुल कितने रुपये की खरीदारी करी? तो कुल खरीदारी बराबर 425 में 250 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 675 रुपये की खरीदारी की। अगला है दूसरा, सोहन के परिवार ने 567 दीपक बनाए और उनमें से 455 दीपक बेच दिए, बताइए अब उसके पास कितने दीपक शेष बचे हैं? यानी कुल दीपक बनाए 567, बेच दिए 455, तो 567 में से 455 घटाएंगे तो क्या आएगा, 112 दीपक शेष हैं। अगला है तीसरा, बस में 15 यात्री सफ़र कर रहे थे, अगले बस स्टैंड पर 3 यात्री उतर गए और 7 यात्री बस में चढ़ गए, तो बताइए अब बस में कितने यात्री सफ़र कर रहे हैं? देखो 15 थे, उसमें से 3 उतर गए तो 3 घटा दिया, 12 रह गए, 12 7 और चढ़ गए तो 12 जोड़ 7 बराबर अब कितने हैं, 19। अगला आचार का, राम ने फसल बुआई के समय 580 रुपये में चने के बीज और 430 रुपये में मटर के बीज खरीदे, तो बताइए राम ने बीज पर कुल कितने रुपये खर्च करे? तो कुल रुपये खर्च किए बराबर 580 चने के और 430 मटर के, तो दोनों को जोड़ देंगे। देखो 0, 8 और 3, 11 का 1 हासिल की 1, 5 और 4, 9 और 1 हासिल की 10, यानी 1010 रुपये खर्च करे उसने। अगला है 5 का सवाल, करुणा ने 320 पेज की किताब के 175 पेज पढ़ लिए हैं, तो बताइए उसे और कितने पेज पढ़ने शेष हैं? पेज पढ़ने शेष हैं बराबर 320 की है, उसने 175 पढ़ लिए तो 175 घटा देंगे, बाकी उसको पढ़ने हैं, तो 320 में से 175 घटाएंगे तो 145 पेज आ जाएंगे, 145 और पढ़ने हैं अभी। अगला है चठवा, संपत रोज घर से विद्यालय जाने के लिए 720 मीटर दूरी चलता है, वह 250 मीटर चलने के बाद हेडपम्प पर पानी पीने रुक जाता है, अब उसको स्कूल पहुंचने के लिए कितनी दूरी और चलना है? शेष दूरी कितनी होगी? देखो 720 है कुल दूरी, उसमें से 250 चल लिया वो, अब और कितना चलना है? तो 720 में से 250 घटाएंगे, 470 मीटर उसको और चलना है। अगला है 7 का, 2 ट्रकों में 430 गेहूँ की बोरियाँ ले जाई जा रही हैं, यदि एक ट्रक में 205 बोरियाँ हैं तो दूसरे ट्रक में कितनी बोरियाँ हैं? देखो दूसरे ट्रक में कितनी बोरियाँ हैं, 430 में से एक ट्रक की घटा देंगे 205, तो 430 में से 205 घटाएंगे तो 225 बोरियाँ दूसरे ट्रक में हैं। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 57 का, दक्षता है बार बार जोड़ने की क्रिया द्वारा गुणन संक्रिया की समझ बना पाना। पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस पर्दे पर कुल कितने फूल हैं? तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 5, 25, यानी 5, 5 के कितने समूह हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 के 5 ग्रुप हैं, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 फूल। अगला है, कुल कितनी बोतलें हैं? तो देखो एक लाइन में कितनी है, 1, 2, 3, 4, एक लाइन में 4 हैं और लाइन कितनी है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 4 × 6 बराबर 24 बोतलें। अगला है, अंडे कितने हैं? तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक लाइन में 6 अंडे हैं और लाइन कितनी है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 × 6, या फिर इधर की साइड से कर लेंगे हमें, 6, 6, 5, 5 की 6 लाइन है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 5 × 6 बराबर 30 अंडे। अगला है दूसरा सवाल, हल कीजिए, इसमें पहला क्या है, 8 को 3 बार जोड़ा है, यानी 3 बार जोड़ा 8 को, तो 3 × 8 बराबर 8 × 3 = 24, अब यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 3 को 5 बार जोड़ा है तो 5 × 3 बराबर 5 × 3 = 15, फिर 30 को 3 बार जोड़ा है तो 3 × 30 और 30 को 3 से गुणा करेंगे 30 × 3 = 90, फिर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को 6 बार जोड़ा है तो 6 × 7
सात छिके 42। फिर है 12 को देखो, 1 2 3 चार बार जोड़ा तो 4 × 12 12 × 4 48। फिर है 6 को 3 बार जोड़ा है तो 3 × 6 6 × 3 18 है। अगला है तीसरा सवाल, रामू बिस्किट के 4 पैकेट लेकर आया। बिस्किट के कितने पैकेट? 4 पैकेट। हर पैकेट में 4 बिस्किट थे। रामू ने कुल कितने बिस्किट खरीदे? तो कुल बिस्किट खरीदे यानी 4 पैकेट खरीदे और एक पैकेट में 4 बिस्किट हैं तो 4 × 4 बराबर 16 बिस्किट रामू ने खरीदे। अगला कार्य पत्रक देखते हैं 58 का। दक्षता है बार बार जोड़ने की क्रिया द्वारा गुणन तथ्य अथवा पाड़े बना पाना। पहला है बार बार जोड़कर आप 2 3 4 5 और 10 का पाड़ा लिखिए। अब देखो 2 का पाड़ा कैसे लिखेंगे, 2 2 जोड़ 2 4 फिर 4 2 को 3 बार जोड़ेंगे फिर 2 को 4 बार जोड़ेंगे ऐसे ही 10 बार तक जोड़ेंगे। तो 2 2 4 2 6 6 में 2 जोड़ेंगे 8 8 में 2 जोड़ेंगे 10 10 में 2 जोड़ेंगे 12 12 में 2 जोड़ेंगे 14 14 में 2 16 16 में 2 18 और 18 में 2 20 ऐसे ही 4 का है 4 4 जोड़ 4 8 8 में 4 जोड़ेंगे 12 12 में 4 जोड़ेंगे 16 16 में 4 20 20 में 4 24 24 में 4 28 28 में 4 32 32 में 4 36 और 36 में 4 40 ऐसे ही 5 का है 5 5 में 5 जोड़ेंगे 10 10 में 5 जोड़ेंगे 15 15 में 5 जोड़ेंगे 20 20 में 5 जोड़ेंगे 25 25 में 5 जोड़ेंगे 30 और 30 में 5 जोड़ेंगे 35 35 में 5 जोड़ेंगे 40 40 में 5 जोड़ेंगे 45 45 में 5 जोड़ेंगे 50 फिर 10 का है 10 10 में 10 जोड़ेंगे 20 20 में 10 30 30 में 10 40 40 में 10 50 60 70 80 90 100 ऐसे 10 जोड़ते जाएंगे। अगला है दूसरा सवाल, 10 एवं 3 का पाड़ा लिखकर उनके जोड़ द्वारा 13 का पाड़ा बनाइए। यानी 10 का पाड़ा लिखेंगे 3 का लिखेंगे फिर इनको दोनों को जोड़ के 13 का पाड़ा बन जाएगा। देखो पहले 10 का लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 फिर 3 का लिखेंगे 3 × 3 3 × 2 6 3 × 3 9 3 × 4 12 3 × 5 15 3 × 6 18 3 × 7 21 3 × 8 24 3 × 9 27 3 × 10 30 अब इनको जोड़ेंगे 10 और 3 13 20 और 6 26 30 और 9 39 40 और 12 52 50 और 15 65 60 और 18 78 70 और 21 91 80 और 24 104 90 और 27 117 100 और 30 130 अगला है तीसरा सवाल, इसी प्रकार आप भी 13 एवं 9 का पाड़ा लिखकर इनके घटाव द्वारा 4 का पाड़ा बनाइए। यानी 13 का लिखेंगे फिर 9 का लिखेंगे फिर इनमें से इसको घटाएंगे 4 का आ जाएगा। देखो 13 में से 4 9 घटाएंगे 4 तो 13 × 13 13 × 2 26 13 × 3 39 13 × 4 52 13 × 5 65 13 × 6 78 13 × 7 91 13 × 8 104 13 × 9 117 13 × 10 130 9 × 9 9 × 2 18 9 × 3 27 9 × 4 36 9 × 5 45 9 × 6 54 9 × 7 63 9 × 8 72 9 × 9 81 9 × 10 90 अब घटाएंगे 13 में से 9 घटाएंगे 4 26 में 18 घटाएंगे 8 39 में से 27 घटाएंगे 12 52 में से 36 घटाएंगे 16 65 में 45 घटाएंगे 20 78 में से 54 घटाएंगे 24 और 91 में से 63 28 आएगा 104 में से 72 घटाएंगे 32 117 में से 81 घटाएंगे 36 और 130 में से 90 घटाएंगे 40। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 59 का। दक्षता है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ बना पाना। पहला सवाल है, कक्षा में 5 दरियां हैं, एक दरी पर 5 बच्चे बैठ सकते हैं। देखो 5 दरी हैं, एक पर 5 बैठ सकते हैं तो कक्षा में कितने बच्चे दरी पर बैठ सकते हैं? तो बच्चे दरी पर बैठ सकते हैं, 5 दरी हैं और एक दरी पर 5 बैठ सकते हैं तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 बच्चे हैं। दूसरा है, सबीहा फूल के 3 गुच्छे लेकर आई और प्रत्येक गुच्छे में 4 फूल हैं, तो बताइए उस सबीहा के पास कुल कितने फूल हैं? तो 3 गुच्छे ले आई है और एक गुच्छे में 4 फूल हैं तो 3 × 4 से गुणा करेंगे 12 फूल। अगला तीसरा, एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं, 6 डिब्बों में कितने पहिए होंगे? तो कुल पहिए होंगे डिब्बे 8 पहिए हैं एक डिब्बे में, तो 6 डिब्बों में कितने होंगे? 8 × 6 से गुणा करेंगे 8 × 6 = 48 पहिए। अगला है, एक किताब में 64 पन्ने हैं, ऐसी 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे?
तो कुल पन्ने होंगे, एक किताब में 64 पन्ने हैं और किताब है 8, तो 8 × 64 बराबर 512 है पन्ने। अगला है 5 का सवाल, विद्यार्थियों की 6 कतारें हैं और प्रत्येक कतार में 17 विद्यार्थी हैं, तो बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो 6 कतार हैं, 6 को 17 से गुणा करेंगे, 102 विद्यार्थी हो गए कुल। अगला, सविता ने 12 टाइलों को इस प्रकार जमाया है, यहाँ जमाई गई टाइलों को देखकर खाली स्थान भरिए। अब देखो 12 हैं यहाँ, अब दो दो की कितनी लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी दो दो की 6 लाइन है, तो 2 × 6 इस प्रकार जमाया। फिर यहाँ पर देखो 6, 6, 6 की 2 लाइन है, तो 6 × 2। फिर यहाँ देखो 4, 4 की 3 लाइन है, 4, 4 की 3 लाइन है, 1, 2, 3, तो 4 × 3, ये 3 तरह से जमाया है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं, 60 का दक्षता है बराबर बराबर बंटवारे द्वारा भाग की समझ विकसित कर पाना। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 6 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बांटा गया है। देखो 6 रोटियों को 3 में बराबर बांटा गया है, तो प्रत्येक बच्चे को 2 रोटी मिली है, तो 6 में 3 का भाग देंगे, 2 आ जाएगा। अगला है, 6 पेन को 2 बच्चों में बराबर बांटना है, तो 6 में 2 का भाग देंगे, 3 आ जाएगा, तो प्रत्येक बच्चे को 3 पेन मिलेंगे। फिर है, माँ चिड़िया 12 दाने लेकर आई है, ये देखो ये माँ चिड़िया 12 दाने लेकर आई है, इन्हें 4 बच्चों में बांटना है, तो 12 में 4 का भाग देंगे, प्रत्येक बच्चे को 3 दाने मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 3। अगला है, 6 केलों को 3 बंदरों में बांटना है, तो 6 में 3 का भाग देंगे, 2 आएगा, तो प्रत्येक बंदर को कितने केले मिलेंगे, 2 केले मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।